हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगस्त और सितंबर में घूमे जाने वाले स्थानों के बारे में। अगस्त और सितंबर का महीना साल का ऐसा महीना होता है जिसमें मानसून अच्छा सा होता है। इस समय वाटरफॉल, झरने और नदियों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। नंबर 5, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक खूबसूरत तटीय शहर है जो अपने उष्णकटिबंधीय आकर्षण से पर्यटकों को प्रभावित करता है। यह स्थान हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम का स्थल है। दूर दूर तक फैला समुद्र के विशाल लहरों के बीच कन्याकुमारी का नज़ारा बेहद आकर्षक लगता है। नंबर 4, कुमारकुम। कुमारकुम वेबनाड झील से निर्मित कई छोटे छोटे द्वीप समूह से मिलकर बना केरल का एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जो अपने धान के खेतों, बैकवाटर, स्वादिष्ट व्यंजन, रोमांटिक रिसॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। यह स्थान लबरेज बैकवाटर्स के अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। नंबर 3, डलहौजी। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपने प्राकृतिक परिदृश्यों, घाटियों, फूलों, घास के मैदान और तेज प्रवाह वाली नदियों के वजह से स्वर्ग समान लगता है। डलहौजी भारत के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी घाटियाँ, मनमोहक वादियाँ और फूलों से भरी घाटियाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 2, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर में पूर्व हिमालय की तलहट्टी में समुद्र तल से 2134 मीटर के ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह खूबसूरत हिल स्टेशन विभिन्न बौद्ध मठों, हिमालय की आकर्षक चोटियों देखने के लिए जाना जाता है। आप यहाँ चाय के बागानों, हरे भरे पहाड़ों को भी देख सकते हैं। नंबर 1, ऊटी। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा ऊटी अगस्त और सितंबर में घूमने के लिए एक और सबसे पसंदीदा जगह है, जहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं। ऊटी को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के हरे भरे घास के मैदान, सुखदायक वातावरण, शांत मौसम के लिए जाना जाता है। वेल दोस्तों, तो अगस्त और सितंबर में घूमे जाने वाले स्थानों के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होंगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।